को देखना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हबड़ा से बोल रहा हूँ। यह सर्वविदित है और चाणक्य ने भी कहा है कि जब जब दंड का विधान कमजोर पड़ता है तब तब राज्य और शासन व्यवस्थाओं को अस्थिर करने वाले तत्व तो सक्रिय हो जाते हैं। आज सरकार अच्छी तरह जानती है कि इन नक्सलियों के पीछे चाइना, पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन लगे हुए हैं। इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और यह एक तरह से देश के विरुद्ध युद्ध की स्थिति है। आज बता दें कि इनकी वार्षिक बजट हजारों करोड़ रुपए में होती है, क्योंकि ये खनिज संपदा वाले हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बना रखे हैं। ये शहरों और गांव में पलने वाले माफियाओं के विकसित रूप हैं। सबसे पहले इनके आर्थिक स्रोतों को बंद करना होगा, जैसे खनिज और रेलवे स्क्रैप में सरकार को डिलीवरी सिस्टम अपने हाथ में लेनी होगी। और सरकार यह जानती है कि डिलीवरी सिस्टम जब प्राइवेट लोग लेते हैं तो उनको लेवी देनी पड़ती है, लेकिन सरकार यह जानते हुए भी यह छूट दे के रखी है। एक हमारे मित्र रांची के थे, उन्होंने बताया कि जो भी हम लोग स्क्रैप उठाते हैं रेलवे में या जो भी हम लोग खनिज लेते हैं, इसमें हम लोगों को इन लोगों को लेवी देनी पड़ती है, जिससे हजारों करोड़ रुपया कमाते हैं। और ये जो नक्सली है, ये कुछ नेताओं से मिली भगत इनकी है, वो नेता लोगों को भी पैसा देते हैं। अगर नेता लोगों को पैसा ना दे, वो बोलते हैं नक्सली, अगर हम लोग नेता लोगों को पैसा ना दे तो हमें एक दिन में ये हमारा जो है लेवी लेना बंद हो जाए। तो इसके पीछे कुछ नेता भी हैं, इसकी भी इंक्वायरी हुई। बिल्कुल, धन्यवाद। इसके पीछे काफी राजनेता होने की बात सामने आती है। झारखंड में कई राजनीतिक दलों को, खास करके जो नक्सली बेल्ट है, उस बेल्ट में राजनीतिक फायदा क्यों होता है? वहां पर कुछ लोगों को ही वोट क्यों मिलता है और कुछ को क्यों नहीं मिलता, और उसके बाद वो लोग नक्सलवादियों के प्रति अपनी भाषा कैसे बदलते हैं, इस विषय को भी जांच के घेरे में लाना जरूरी है। अगले कॉलर। ठीक, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय हिंद। आज के टाइम में जो हमारे इंडिया को, पॉपुलेशन को जो जरूरत है, वो सबसे ज्यादा जरूरत है आर्ट ऑफ राइट्स की। हाँ, आर्ट ऑफ राइट्स में क्या है कि लोगों को उनके अधिकार का मालूम होना चाहिए। हाँ, जब तक लोगों को उनके अधिकार का मालूम नहीं होगा तो ये लोग हमारा ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। इसके लिए सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एथर एंड सिग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, फिजिकल एंगर और स्पिरिचुअल एंगर, फिलोसफी की भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत ही उसका जन्मदाता है। अगर आज फिलोसफी को पढ़ करके लोग अगर आगे बढ़ते तो हमारे देश में नक्सलवाद और हमारा शोषण कभी नहीं हो सकता था। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जिसको हम भूल चुके हैं, उस कल्चर को हमें दोबारा किसी भी तरह की पुनः ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे विषयों की तरफ देखने का दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार का होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन जब तिरंगे के खिलाफ, भारतीय सैन्य बलों के खिलाफ शस्त्र उठाकर कोई देश को ही चैलेंज करता है, वो करने के लिए पाकिस्तान और चाइना की मदद लेता है, तो उसको आम आदमी के लिए लड़ाई कदापि नहीं कहा जा सकता। आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ भारतीय बन के कुछ भी करने के लिए अगर तैयार है तो सहानुभूति का यह विषय हो सकता है। आपकी समस्या को टेबल पर या जिस भी तरीके से आप चाहे सुनाया जाना चाहिए, सुनना जाना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान और चाइना की मदद लेकर अगर किसी विषय को कर रहे हैं और उसको आम आदमी की लड़ाई का नाम दे रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं, ये देश के खिलाफ युद्ध है। अगले कॉलर। जी जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर जी, मैं मुंबई से ओम प्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ। बोलिए ओम प्रकाश जी। जी सर, ये जो मुद्दा है, ये आज का ये बहुत ही गहरा मुद्दा है। इस मुद्दे के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में अराजकता जो है वो हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो चुकी है। कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और ये जो नक्सलवाद का सिलसिला है, ये हमारे नेताओं की देन है। अपने ऐशो आराम के लिए और अपने लोगों की हत्याओं के लिए इन्होंने एक विभाग खोल के रखा हुआ है। उस विभाग के थ्रू ये लोगों पे अत्याचार करते हैं। इन्हीं का पाप इन्हीं के सामने आ चुका है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हीं लोगों का पाप जो है इनके सामने आ गया है, अब इनकी बारी है। बिल्कुल, धन्यवाद। अब इनकी बारी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। ठीक भैया। जय हिंद, बोलिए। हाँ हेलो, क्या कहना चाहते हैं?
भैया हम बनारस से मंजुलनाथ तिवारी बोल रहे हैं। यह जो आज का आपका मुद्दा है, आपका जो मुद्दा है वह मुद्दा श्री इंदिरा गांधी की ही देन है, और इंदिरा गांधी ने ही लिट्ठे को और आपका पंजाब में और फिर इसके बाद से आपका इंदिरा गांधी ने जितने भी आतंकवादी संगठनों को इन्होंने ही बढ़ावा दिलाया था। और मैं पहले भी एक बार मैं बोल चुका हूं कि देश को ये सब बर्बाद करने के मूड में है, और जब ये अब नेताओं के ऊपर जब वार कर रहे हैं सब आतंकवादी अपराधी, तब ये जाकर के ये रास्ते पर आएंगे। हम लोग कितना भी चिल्लाते रहें ताकि इनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। ये जब तक ये लात नहीं खाएंगे, ये लात के ही देवता हैं, तभी ये मान सकते हैं, उसके पहले ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था कि संसद में आतंकवादी जो आक्रमण हुआ था वह संसद के अंदर हुआ होगा। धन्यवाद। ये बात जो कॉलर यहाँ पर कह रही है, आम प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? सरकार को, कांग्रेस को इसके प्रति सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब 76 जवान मरे तब सरकार का इतना बड़ा अमला वहां पर नहीं पहुंचा। राहुल गांधी रात को ही वहां पर प्लेन लेके नहीं पहुंचे। अपने राजनीतिक दल के, अपने पार्टी के नेताओं को कुछ होता है तब आप भागते हैं। अच्छी बात है, आप अपने राजनीतिक दल के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप देश के लिए ऐसा नहीं करते तो शक की सुई या आपके ऊपर आरोप लगना तय है। अगले कॉलर। जयन जी। जयन, के ऊपर में बहुत ही मुझे आज बहुत दुख हुआ है कि चलो जो भी है, हमारे एक नेता को नक्सलियों ने मार दिया, लेकिन मैं एक बुनियाद सवाल उठाना चाहता हूं। जब हमारे आम आदमी मरते हैं, जब हमारे जवान लोग मरते हैं, चाहे ये इन लोगों का रिएक्शन कुछ अलग होता है। एक आम मुद्दा है, आम चीज है कि कॉमन न्यूज है, ऐसे लोग बोलते हैं हमारे नेता, लेकिन आज जब एक नेता मर गया तो इतना ये लोग इतना जो भी विधवा विलाप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये सब सामने आता है। मुझे एक चीज पूछना है कि जो कॉज है वो क्यों नहीं पकड़ते हमारे इंडिया में जो नक्सलिज्म जो कर रहे हैं वो लोग, हमारे लोग प्रॉपर एजुकेशन क्यों नहीं देते? लोग क्यों आते हैं नक्सलिज्म करने के लिए? लोग ये माओइस्ट में ये जो एक्टिविटीज करते हैं, लोग को मारते हैं, वो क्यों करते हैं? ये समाज पूछना मैं चाहता हूं समाज से, जो लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहां पर कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिसलिए हम आपको ये पूछ रहे हैं। नक्सलियों द्वारा मासूम लोगों का खून बहाना। नक्सली अपने स्वार्थ के लिए आदिवासी लोगों की विवश हत्या करते हैं। अब तक नक्सली हमले में 7,000 से ज्यादा आम लोगों की हत्या की जा चुकी है। नक्सलियों का भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का सपना। नक्सली ना तो भारतीय कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं और ना ही भारत के लोकतंत्र में। नक्सली तो अपनी अलग सरकार चलाना चाहते हैं। भारत सरकार के बातचीत के न्योते को ठुकराते नक्सली। हमारे देश में नक्सल समस्या नहीं, देश का दुश्मन है। अगर समस्या हो तो उसे बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो दुश्मन है जो बातचीत का रास्ता नहीं अपनाते। देश के दुश्मनों के एजेंट नक्सली। नक्सलियों को चीन से हथियार मिलते हैं ये तो सभी जानते हैं, मगर अब तो पाकिस्तानी आतंकी भी नक्सलियों को हथियार दे रहे हैं। चीन और पाकिस्तान का भारत को तोड़ने का सपना अब नक्सली पूरा कर रहे हैं। गरीब आदिवासियों का विकास नहीं चाहते नक्सली। नक्सली गरीब आदिवासियों को मुख्यधारा से दूर रखना चाहते हैं, जिससे इन अनपढ़ आदिवासियों का ब्रेन वॉश किया जा सके। समानांतर सरकार चलाते नक्सली। लगभग 60 जिलों में नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। न तो यहाँ कोई सरकारी नियम है और न ही पुलिस का कोई अधिकार। सेना और पुलिस के कातिल नक्सली। नक्सलियों ने लगभग 7,000 से ज्यादा पुलिस और सेना के जवानों को मौत के घाट उतारा है। पुलिस स्टेशनों को लूटना नक्सलियों के लिए आम बात हो गई है। भारत के विकास कार्यक्रमों को तोड़ते नक्सली। नक्सली भारत के आदिवासी क्षेत्रों को विकास से दूर करना चाहते हैं। विकास की सारी योजनाओं को खत्म करना आम बात है। सड़कों और नदियों पर बने पुलों को उड़ाना भी उनके लिए आम बात है। जंगल के इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को सहायता न मिलना। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस जवानों को अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है, जिसकी वजह से नक्सली और मजबूत हो रहे हैं। अगर सेना को इस दुश्मन के खिलाफ नहीं उतारा गया तो बहुत देर हो जाएगी। नक्सलवाद पर नेताओं की राजनीति। कई सरकारें नक्सलियों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए प्रयोग करती हैं। केंद्र की कांग्रेस नीत सरकार तो नक्सलियों को पैसा देकर खत्म करना चाहती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सत्ता चाहते हैं वो पैसे से मान जाएं? तो हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या नक्सलवाद पर राजनीति सही है। अब तक के सारे कॉलर ने इस बात को कहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मुद्दे सामने आ रहे हैं इस मुद्दों के ऊपर सरकार को, दलों को, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को गौर करना भी उतना ही जरूरी है। कई कॉलर हमारे साथ आज अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आतुर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, क्या कहेंगे? मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। नौ वर्षों से अहंकारी भ्रष्टाचारों से घिरी सरकार, मौका परस्त पार्टियों के सहारे टिकी सरकार, जो बहुमत होते हुए भी नेतृत्व के अभाव से असमंजस की स्थिति में रही, 73 जवान शहीद हुए और न जाने कितने जवान प्रतिदिन पशुपति से तिरुपति तक के जंगलों में फैले नक्सलियों के साथ बिना किसी रणनीति के शहीद हो जाते हैं। आज बात कांग्रेसी नेताओं पर आई तो सारा तंत्र सक्रिय हो गया, जबकि दो लोग, वो लोग इसी इलाके के वाकिफ लोग हैं। बात आर्मी को उतारने की नहीं, क्योंकि सरकार नक्सलियों को अपने बीच का मानती है, जबकि मैं किसी को अपना, जबकि वो किसी को अपना नहीं मानते। नक्सली रणनीति से लड़ते हैं, हमारे सुरक्षा बलों के पास कोई स्थायी दिशा निर्देश नहीं, कोई योजना नहीं। मारे तो भी मरे, न मारे तो भी मरे। नक्सलियों के साथ धरती पुत्र नेता, अभिनेता, कई प्रकार के मानवाधिकार संगठन है, जबकि सरकार अपने जवानों के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है। यही नेतृत्व का अभाव आर्मी के साथ भी आता है। यह भ्रष्ट सरकार विपक्षी राज्यों द्वारा शासित राज्यों के में शत्रुता का भाव न रखकर संयुक्त मोर्चे का गठन कर माओवादी, आतंकवादी, नक्सलियों को चुनौती देने का साहस कर पाएगी। नक्सलियों ने जवानों के पेट फाड़ कर बम बांधे, आंखें निकाली, सर काटे, तब नेताओं ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने का वादा भर किया। इसको देश के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध समझना होगा। जो नेहरू, अटल, अडवाणी जाए और कोई नई सोच आए, तभी कुछ हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। जय हिंद, रचना शर्मा सोनभद्र बोलिए। आज देश के चिंतक और देश के बुद्धिजीवी को नक्सलियों के मानवीय अधिकारों की बात करते हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, वह अब कुछ बोलने की जरूरत क्यों नहीं समझते? इस राष्ट्र को हमारे राजनेता और सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद के ऊपर कठोर कार्रवाई न करने के कारण आज यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। यह सरकार सिर्फ निहत्थे और अपने अधिकारों की मांग करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई करते हैं। आज देश में नक्सलियों के खिलाफ सेना को तुरंत उतारना ही जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह जब सामने शेर रह जाता है तो हम तुरंत ही उसे गोली मारकर अपना जीवन सुरक्षित कर लेते हैं। इस लड़ाई में जो पुलिस वाले और जो बेगुनाह मरते हैं उनके लिए हमारी सरकार क्या करती है? सिर्फ एक डाक के चेक उन मासूमों को देगी जिसकी बेवजह हत्या हो जाती है? हमें अपने देश को अगर बचाना है तो नक्सलियों के खिलाफ तुरंत ही सेना को रणभूमि में उतारना होगा। वंदे मातरम। धन्यवाद।